हमेशा छाते रहेंगे यही कहना चाहेंगे, इतनी दुआ दें हमें कि हमेशा छाते रहें। बस मेहंदी लगा के रखना मेरे जीवन से जुड़ी हुई कहानी थी, वहाँ से एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है, तो अब कोशिश यही करता हूँ कि जितनी फिल्में हो निगेटिव भी हो लेकिन कुछ पॉजिटिविटी रहे, कि मेरे हिसाब से हर खलनायक के अंदर एक नायक छुपा होता है। नायक अभी तक बाहर नहीं आता था, बाहर है, अच्छा है। तो एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि पब्लिक को उसका काम पसंद आना चाहिए, और ये मेरी साल की पहली फिल्म थी और मैं बहुत खुश हूँ कि पब्लिक ने मेरी एंट्री पे, मेरे सीन्स पे इतनी तालियां, इतनी हूटिंग की है। तो ऐसा लगता है कि बस जो आपने काम किया है, जो आपने मेहनत की है, वो सफल है। माया जी फिल्म की प्रोड्यूसर है, माया जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, उनकी फिल्म संसार में जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसमें मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया था उनके लिए, और इसमें उन्होंने मुझे मौका दिया हीरोइन का किरदार करने के लिए। इसमें थोड़ा डिफरेंट शेड है मेरा, थोड़ी नेगेटिव नहीं कह सकते, मेरे मेरे नक्शे कदम पे चल रही है इसमें, ग्रे शेड है मेरा, ग्रे शेड है इस फिल्म में, जिसको सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिला है। एक ऐसा अनाथ बच्चा जो सड़क पर पड़ा हुआ है, खुद की अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी सजा रहा है, संवार रहा है। बिल्कुल, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, और बीइंग एक ऐसा रोल जिसमें आपको सिर्फ अपने आवभाव से एक्सप्रेस करना है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बेस्ट विशेज है, क्योंकि माया यादव जी खुद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और उनकी बेटी माया जी की बेटी है, और ऑफकोर्स वो उनके अंदर है ही है, और डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेज हैं कि आने वाले जितनी फिल्म्स हों वो इसी तरीके से सुपरहिट जाए। Planet Bhojpuri.